अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वैसे शब्द होते हैं जो वर्ब एडजेक्टिव्स और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, यानी उनके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द बॉय सैंग, उस लड़के ने गाना गाया। कैसा गाना गाया? द बॉय सैंग स्वीटली। ठीक है, तो ये सैंग जो हमारा है ये है वर्ब, ठीक है, और उसके गाने के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये स्वीटली शब्द। तो ये स्वीटली है एडवर्ब, ये उसके गाने को मॉडिफाई कर रहा है, उसके गाने के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और मेनली हमारे पास तीन टाइप्स ऑफ एडवर्ब होते हैं, थ्री। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, ये तीन टाइप के एडवर्ब्स होते हैं मेनली। अब देखते हैं इसको डिटेल में। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किस तरह से हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पहचानेंगे? ये सबसे सिंपल है। देखिए, एडजेक्टिव तो पहचानते हैं आप, एडजेक्टिव के पीछे उसके बाद में उसके एंड में लगा हुआ होगा एल वाई, तो वो होगा आपका एडवर्ब। जैसे सॉफ्ट में ऐड किए एल वाई तो हमारे पास आ गया सॉफ्टली। इस तरह से ही एडजेक्टिव के एंड में एल वाई ऐड कर देने से वो हमें एडवर्ब मिल जाएगा। अब इसको सेंटेंस में किस तरह से यूज करेंगे? द गर्ल स्पीक्स सॉफ्टली। तो बच्चों, एक बात का ध्यान देंगे कि ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो है, जो एडजेक्टिव के बाद एल वाई ऐड करने से हमें मिल रहा है, वो सीधे कोई वर्ब के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पर स्पीक, स्पीक हो गया आपका वर्ब, वर्ब के जस्ट बाद आया है ये सॉफ्टली, ये एडवर्ब है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी ये जगह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो घटना जो हुई है वो कहाँ हुई है। ठीक है, जैसे द बॉय इज रनिंग आउटसाइड, द बॉय इज रनिंग आउटसाइड, वो लड़का दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? बाहर दौड़ रहा है। द बॉय इज रनिंग नियर मी भी कर सकते हैं, मेरे सामने दौड़ रहा है। और इसके अलावा एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे अराउंड, इन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, नियर, आउटसाइड। ओके, अब नेक्स्ट हमारा देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम।
अब यहाँ देखेंगे ये समय के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द मैन इज गोइंग टुडे, वो आदमी कब जा रहा है आज। कब का आंसर हमें जो देता है वो होता है एडवर्ब, कब आज, या फिर नाउ अभी, देन तब, सून जल्द ही, है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम के। अब इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। इस एक्सरसाइज में देखेंगे बच्चों, यहाँ है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द एडवर्ब्स। आपको इन सेंटेंसेस में एडवर्ब को अंडरलाइन करना है। तो देखिए, द बॉय सैंग स्वीटली, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर को पहचानना सबसे आसान है, जिस भी एडजेक्टिव के बाद में लगा हुआ होगा ly, वो होगा आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, व्हाट इज ही डूइंग आउटसाइड, वो क्या कर रहा है बाहर, वो बाहर क्या कर रहा है। तो आउटसाइड क्या है आपका, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, है ना। ही प्रैक्टिसेस क्रिकेट एवरी डे, वो क्रिकेट का प्रैक्टिस हर दिन करता है। कब करता है, हर दिन, तो ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून, सून क्या होता है बच्चों, एडवर्ब्स ऑफ यस टाइम, जल्द ही। द ओल्ड वुमन वॉज वॉकिंग स्लोली, स्लोली क्या है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, है ना, यहाँ पर ly लगा हुआ है। द किटन्स आर प्लेइंग देयर, किटन्स कहाँ खेल रहे हैं, वो वहां, देयर क्या हो गया, ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो बच्चों इस तरह से ही आपको ये एक्सरसाइज को कवर करना है। तो इन अ सिंपल वे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को किस तरह से हम पहचानेंगे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर को पहचानने के लिए ये सीधे एडजेक्टिव के बाद ly, इट मीन्स वो शब्द ly पे एंड होगा। प्लेस को पहचानने के लिए कहाँ, जो शब्द आंसर कर रहा है कि वो घटना कहाँ हुई है, और टाइम को पहचानने के लिए व्हेन, कि वो घटना कब हुई है, तो हमें हमारा जवाब, हमें हमारा एडवर्ब मिल जाएगा। गॉट इट, थैंक यू एवरीवन।